अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तहनीत नवीद, ब्यूटी एक्सपर्ट। ये मैंने आज मट मास्क बनाया है, जैसे कि मैं वीक में वन टाइम ज़रूर कर लेती हूँ। बिज़ी होती हूँ तो मैं एक ही दफ़ा जो है ना ये कर लेती हूँ, मट मास्क एंड कोजिक पाउडर बाय SES। इसकी खुशबू है यार इतनी कमाल की, वाह इतनी मज़े की खुशबू। जब भी फेस पे लगाती हूँ मेरा फेस इतना फ्रेश, इतना मज़े का फील होता है, मतलब सॉफ्ट स्किन जो है ना काफ़ी सॉफ्ट सी बन जाती है। इसमें मैंने मिक्स किया है रोज़ वाटर, यानी रोज़ वाटर और मड मास्क को मिक्स करके मैंने ये जो है ना मास्क तैयार किया है। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप उसमें लेमन भी डाल सकते हैं और दूध से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बलाई भी डाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। और अब चूंकि मेरी स्किन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है समटाइम गर्मी की वजह से, तो मेरा रूम जो है रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मेरी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो मैंने साथ में इसके यूज़ किया, इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन जो है वो किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन पॉट वालों का। ये बड़ा जार इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे सूट करता है, और अब जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी ठंडक में पहुँचाता है, इतना सुकून देता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत है। और अगर एट अ टाइम आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल वाटर से भी तैयार कर सकते हैं फॉर एवरी गर्ल। ज़ाहिर है हमारा पाकिस्तानी मशवरा है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, दूसरों की मजबूरियों का भी ख्याल रखना चाहिए, तो पर्सनली ये वाला मशवरा दे रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसको वाटर, सिंपल वाटर से जो है ना फिल्टर वाले, उसके साथ भी आप तैयार कर सकते हैं। यकीन करें उसके साथ भी इतने अमेजिंग रिजल्ट इसके आते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप रोज़ वाटर मिक्स करें, दूध, बलाई, विटामिन सी के लिए आप इसमें एक लेमन जूस भी मिक्स कर सकते हैं। मैं वैसे सोच रही थी कि मैं इसमें हल्का सा जो है ना, मैं वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ करती थी पहले सूथिंग लोशन, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें ज़रूरत है, बट फिर भी मैं यूज़ करूँगी। आपको ठंडक भी फील होगी, आपको जो है फ्रेशनेस भी फील होगी, स्किन टाइट होगी, आपका मुलायम सा चेहरा जो है ना आपको नरम नरम खुद ही फील होगा, बड़ा मज़े का एहसास होता है इसको लगाने के बाद। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।